दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज बारी है हमारी, ये जो हमने नेट हाउस में खीरा यानी ककड़ी जो की है उसकी हार्वेस्टिंग की। हमारी ये बेले जो अभी आप देख रहे हो वो करीब 40 दिन की हो चुकी है और आज हम इसमें पहली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हमने इन बेलों को सीधे मंडप पर चढ़ाया है सिंगल लाइन पर। हम इसमें किसी में एक किसी में दो बेल अलाउ कर रहे हैं और इस तरह हमने इसकी हार्वेस्ट चालू करी है। ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की ककुम्बर इसमें हुई है। ये देखिए, इस तरह की हमारी ककड़ी हुई है। इस तरह से हम दूसरी लाइन में भी इसकी हार्वेस्ट कर लेंगे। ये जो खीरा है ये सिंगल लाइन पर ट्रेन किया है और हमने जो बाजू में जो बेड है उस पर हमने जाली लगाई है। हम दोनों में से हार्वेस्ट करेंगे, इस हार्वेस्ट में हम अलग नहीं कर रहे। अगले हार्वेस्ट से हम दोनों लाइन के खीरे को अलग करके ये तय करेंगे कि किस तरह की ट्रेलिस हमें ज़्यादा फायदेमंद है। दोनों में एक ही वैरायटी है, दोनों इंग्लिश खीरा है यानी कि हाइब्रिड वैरायटी है जिसको पोलिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हमने खीरे को फल मक्खी से बचाने के लिए आज फ्रूट ट्रैप भी लगा दिए है। हम थोड़े लेट लगाए हैं, हमको 5 दिन पहले ही लगा देने थे क्योंकि इसमें कहीं कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, पर आने वाले समय में इसका नुकसान नहीं हो इसलिए हमने फ्रूट ट्रैप भी इसमें रख दी है। तो दोस्तों, आप इस तरह खीरे को उगा के 40 दिन के अंदर हार्वेस्ट ले सकते हैं। अभी ये हार्वेस्ट हर तीसरे दिन हम करते रहेंगे और हमें करीब 75 दिन तक यानी आज से लेकर और 30 से 35 दिन तक इसकी हार्वेस्ट मिलती रहेगी। इसके बाद हम खीरे की दूसरी बुआई भी थोड़े दिन में कर देंगे जिसका वीडियो मैं आपको बुआई का आपसे दूंगा और खीरे में किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी सारी डिटेल दूंगा। पर अभी के लिए ये हमारी पहली हार्वेस्ट थी और इसी तरह की हार्वेस्ट हम इसमें करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा खीरा उगाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा और यदि आपके पास जगह है और आप खीरा उगाना चाहते हैं तो इस तरह की वर्टिकल ट्रेलिस या जाली वाली ट्रेलिस लगा के खीरे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हैप्पी ग्रोइंग।